हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं विजन आईएसपीटी 365 एनवायरनमेंट के करंट अफेयर्स का अगला लेक्चर। और ये करंट अफेयर्स आपके 2022 प्रीलिम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज कीजिए। दोस्तों लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने लेक्स वेटलैंड्स और कोस्टल लैंड्स के सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया था। आज के इस लेक्चर के जरिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो टॉपिक्स हैं उनको कवर करने की कोशिश करेंगे। देखते हैं दोस्तों कितने कवर कर सकते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के टॉपिक्स को। चलिए शुरू करते हैं, मेरा नाम है निरंकार। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में जो हमारा पहला टॉपिक आता है वो है दोस्तों ग्रॉस एनवायरनमेंट प्रोडक्ट। तो आपने जीडीपी के बारे में तो सुना होगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, आज ग्रॉस एनवायरनमेंट प्रोडक्ट के बारे में भी जान लेते हैं। ये न्यूज में क्यों रहा दोस्तों, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के दिन उत्तराखंड जो है बन गया है भारत का पहला स्टेट जिसने टेक करा है इनटू अकाउंट्स ग्रॉस एनवायरनमेंट प्रोडक्ट को वाइल कैलकुलेटिंग जीडीपी। देखिए हम लोग जीडीपी तो आपको पता है इकोनॉमी का टर्म है, मतलब जीडीपी इकोनॉमिक्स का टर्म है, लेकिन ग्रॉस एनवायरनमेंट जो प्रोडक्ट है जीईपी बोलते हैं जिसको, ग्रॉस एनवायरनमेंट प्रोडक्ट जो है इसका मतलब क्या है कि आप लोगों ने कितना एनवायरनमेंट को खत्म करके जीडीपी में जीडीपी बनाई है, ये सिंपल सा है इसका एम। ठीक है, तो उत्तराखंड पहला बन गया है जो अब जीईपी को भी कंसीडर करेगा कि हम लोगों ने जीडीपी बनाने में कितना जीईपी का खर्चा करा है, यानी एनवायरनमेंट का खर्चा करा है। सिंपल सा बात यह है, इसके बारे में और समझते हैं। फोर क्रिटिकल नेचुरल रिसोर्सेस आपको पता है, एयर है, वाटर है, फॉरेस्ट और सॉइल है, इनको विल बी असाइंड मॉनेटरी वैल्यूज, इनको मॉनेटरी वैल्यू दी जाएगी इस ग्रॉस एनवायरनमेंट प्रोडक्ट के तहत। ठीक है, द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ दीज नेचुरल रिसोर्सेज वुड डिटरमाइन द ग्रॉस एनवायरनमेंट प्रोडक्ट ऑफ उत्तराखंड। तो भाई हम लोगों ने कितना सॉइल का इस्तेमाल करा, कितना फॉरेस्ट, कितना वाटर का इस्तेमाल करा जिसकी वजह से हमारी जीडीपी बनी है, तो ये आएंगे एक तरीके से। अगला समझते हैं व्हाट इज जीईपी। ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, ये टोटल वैल्यू है फाइनल इकोसिस्टम सर्विसेज की सप्लाई टू ह्यूमन वेलबींग इन अ रीजन एनुअली। तो जितना भी इकोसिस्टम है उसने कितनी सर्विसेज पूरे साल भर में प्रोवाइड करी है, वही है ग्रॉस एनवायरनमेंट प्रोडक्ट। एंड कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ बायो फिजिकल वैल्यू एंड मॉनेटरी वैल्यू, इसको बायो फिजिकल वैल्यू और मॉनेटरी वैल्यू में नापा जा सकता है। ये इंडिकेट करता है ओवरऑल हेल्थ ऑफ द एनवायरनमेंट एज ग्रॉस एनवायरनमेंट प्रोडक्ट मेजर्स द प्राइम इंडिकेटर सच एज फॉरेस्ट कवर, मैं बता चुका हूँ, सॉइल इरोजन, एयर क्वालिटी, डिजॉल्व ऑक्सीजन इन द वाटर, इन सबको ऑब्वियसली मेजर करेगा तो हमें पता चल जाएगा कि हम लोगों ने कितना एनवायरनमेंट के हेल्थ को इम्पैक्ट करा है अपनी जीडीपी बनाने में। अनलाइक ग्रीन जीडीपी विच इज ऑब्टेंड आफ्टर डिडक्टिंग द डैमेज ऑफ द एनवायरनमेंट फ्रॉम द टोटल प्रोडक्शन, दैट्स इट। आपको पता ना एक ग्रीन जीडीपी भी टर्म है, इसमें क्या करते हैं हम लोग ग्रीन जीडीपी को कैसे निकालते हैं, हम इसको निकालते हैं डिडक्टिंग द डैमेज टू द एनवायरनमेंट फ्रॉम द टोटल प्रोडक्शन ऑफ द स्टेट, है ना। और लेकिन ग्रॉस एनवायरनमेंट प्रोडक्ट जो है वो असेस करेगा इंप्रूवमेंट इन द एनवायरनमेंट कंपोनेंट्स इन अ ईयर, हम लोगों ने कितना इंप्रूवमेंट करा है। फर्दर इट विल टेल हाउ मच वर्क द स्टेट हैज डन इन रिड्यूसिंग द लॉस ऑफ इकोसिस्टम, याद रखिए ये ग्रॉस एनवायरनमेंट प्रोडक्ट का कंपोनेंट है, इन द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एंड रिसोर्स यूज। तो कितना काम करा स्टेट ने इसका भी देखा जाएगा, ये चीज भी देखी जाएगी ग्रॉस एनवायरनमेंट प्रोडक्ट में। कुछ अदर ग्लोबल स्टैंडर्ड्स देख लेते हैं, इनिशिएटिव लिए गए हैं कौन कौन से, सिस्टम ऑफ एनवायरमेंटल एंड इकोनॉमिक अकाउंट्स जिसको शॉर्ट में सीए कहा जाता है, सीईए कहा जाता है, ये गाइड बुक है याद रखिए जिसको डेवलप कराई यूनाइटेड नेशन ने टू प्रोवाइड स्टैंडर्ड्स फॉर इनकॉर्पोरेटिंग नेचुरल कैपिटल एंड एनवायरमेंटल क्वालिटी इनटू नेशनल अकाउंटिंग सिस्टम। अगला है हैप्पी प्लैनेट इंडेक्स, ये क्रिएट करा गया था ब्रिटिश न्यू इकोनॉमिक्स फाउंडेशन द्वारा, याद रखिए इंपॉर्टेंट नाम है ऑर्गेनाइजेशन का, जो मेजर करता है नेशनल वेलफेयर इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। अगला है भूटान का ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस, इट इज एनवायरमेंटल प्रिजर्वेशन एज वन ऑफ द फोर पॉलिसी ऑब्जेक्टिव, भूटान का याद रखिए। अगला है कुछ अदर भी देख लेते हैं, चाइना 2004 से दोस्तों हैज बीन अंडरटेकिंग स्टडीज टू एस्टिमेट द कॉस्ट ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ एनवायरमेंटल डैमेज व्हिच ऑफसेट इट्स इकोनॉमिक ग्रोथ। स्वीडन ने भी क्या इनिशिएटिव लिया 2003 में दोस्तों, has brought in various environmental indicators like air emission, waste, etc. as part of government policy for achieving sustainable development. आगे बढ़ने से पहले कुछ additional यहाँ पे information देख लेते हैं, ये देखिए GDP और GEP में क्या फर्क है, ये देखिए GDP में क्या include होता है, ये हम लोगों ने कितना construction करा, कितना infrastructure बनाया और ये सारा का सारा, लेकिन gross environment product में ये देखिए environment को हमने protect करने के लिए land, water, sea, एयर वगैरह को क्या प्रोटेक्ट करने के लिए, आप देख सकते हैं
क्रॉस एनवायरनमेंट प्रोडक्ट में क्या क्या करता है, एग्रीकल्चर आता है, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, रिक्रिएशन, रिक्रिएशन टूरिज्म, हाइड्रोजन फॉर एग्जांपल, वाटर रिटेंशन, फ्लड मिटिगेशन को लेकर हमने क्या काम करा है, सॉइल रिटेंशन को लेकर, सैंड स्टॉर्म प्रिवेंशन को लेकर क्या काम करा है, पॉलिनेशन के लेकर, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, मेंटल हेल्थ, एयर प्योरिफिकेशन, वाटर प्योरिफिकेशन, क्लाइमेट चेंज, और यहाँ पे क्या आ जाता है जीडीपी में, ये तो आपको पता ही होगा इकोनॉमिक्स के बारे में। अगला समझते हैं वो है रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट, है ना, मतलब सिंपल सी बात है, रिन्यूएबल एनर्जी का सर्टिफिकेट मिलेगा। समझते हैं न्यूज में क्यों रहा, मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने रीडिजाइन करा है रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट को। ऑलरेडी रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट भारत में मिलता था, बस उसको थोड़ा सा रीडिजाइन कर दिया, किसने, मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने। इसके जरिए ये बूस्ट करना चाहते हैं ग्रीन इकोनॉमी को, ठीक है, ताकि भाई ग्रीन इकोनॉमी समझते हो ना कि हम लोगों को कुछ नुकसान नहीं पहुंचाना एनवायरनमेंट को। अबाउट रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट के बारे में जान लेते हैं, इस सर्टिफिकेट ये होता क्या है। दोस्तों रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट, अगर REC बोलूं शॉर्ट में तो समझ जाइएगा रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट बोल रहा हूं। ये ऐसा मैकेनिज्म है इंडिया में जिसको इंट्रोड्यूस करा गया था 2010 में। रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट जिसको रिन्यूएबल एनर्जी क्रेडिट के नाम से भी बुलाया जाता है, ये मार्केट बेस्ड इंस्ट्रूमेंट है जहां पर जो ऑनर है रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट का वो लीगली क्लेम कर सकता है कि हम लोगों ने रिन्यूएबल एनर्जी को परचेस करा है, इसके पास लीगल अधिकार आ जाता है। वन रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट जो है ट्रीट करा जाता है इक्वलेंट टू 1 मेगावाट आवर, याद रखिए 1 मेगावाट पर आवर, ठीक है, इसके बराबर ट्रीट करा जाता है एक सर्टिफिकेट को। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो ये रिप्रेजेंट करता है एनवायरमेंटल बेनिफिट्स एसोसिएटेड विद 1 मेगावाट आवर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड फ्रॉम द रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। दोस्तों REC के दो कैटेगरीज हैं, पहला है सोलर REC, ये इशू कराता है टू द एलिजिबल एंटिटीज फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड ऑन सोलर एज रिन्यूएबल एनर्जी, तो सोलर से नाम से पता चल रहा है। दूसरा है नॉन सोलर, ये इशू करे जाते हैं टू द एलिजिबल एंटिटीज फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड ऑन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज अदर देन सोलर, तो अदर देन सोलर में आ जाता है इसमें। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। चलिए दोस्तों आगे समझते हैं, REC's आर ट्रेडेड इन पावर एक्सचेंज विद इन द फोर बेरेंस प्राइस एंड फ्लोर प्राइस डिटरमाइंड बाय द सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन फ्रॉम टाइम टू टाइम, तो याद रखिए इनको आप बेच भी सकते हैं REC को, ठीक है। नेशनल लोड डिस्पैच सेंटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन फैसिलिटीज इशुएंस ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट, तो कौन इशू करेगा रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट, नेशनल लोड डिस्पैच सेंटर। The distribution companies, open access consumer, captive power plants are eligible for purchasing REC. तो ये लोग जो हैं REC को खरीद सकते हैं। Current status देख लेते हैं REC scheme का। मात्र 4% जो installed renewable energy capacity stands registered as in December 2021। तो याद रखिए सिर्फ और सिर्फ 4% installed renewable energy capacity है December 2021 तक। विंड सोलर पावर अकाउंट्स फॉर 58% एंड 21% शेयर, तो याद रखिए इनका सबसे ज्यादा शेयर है रिस्पेक्टिवली ऑफ टोटल रजिस्टर्ड कैपेसिटी में। स्टेट्स विद अट्रैक्टिव रिन्यूएबल सोर्स कौन कौन से हैं, तमिलनाडु है, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात अकाउंट फॉर 73% ऑफ शेयर ऑफ द टोटल रजिस्टर्ड कैपेसिटी। अगला समझते हैं चेंजेस इंट्रोड्यूस इन द रिवैम्प्ड REC मैकेनिज्म। अभी मैंने बताया ना कुछ चेंज इसमें इंट्रोड्यूस करे गए हैं REC मैकेनिज्म में, वो कौन कौन से। पहला है वैलिडिटी ऑफ REC इज नाउ परपेचुअल टिल इट्स सोल्ड, तो याद रखिए इसकी बढ़ती जाएगी वैलिडिटी जब तक उसको सोल्ड नहीं किया जाता, लेकिन अभी जो है प्रेजेंटली कितनी वैल्यू थी, 3 साल तक की वैल्यू थी। रिमूवल ऑफ द फ्लोर एंड फॉरबेरेंस मैक्सिमम प्राइस ऑफ REC, तीसरा चेंज करा गया मॉनिटरिंग एंड सर्विलेंस मैकेनिज्म में। अगला है REC will be issued to the eligible renewable energy generators for the period of the power purchase agreement, ठीक है, जिसको PPA short में कहा जाता है। लेकिन existing renewable project क्या होते हैं, eligible for REC would continue to get REC for 25 years. Technology multiplier में भी change करा गया है for promotion of new high prices renewable energy technologies. REC can be issued to obligated entities beyond their RPO targets. No REC will be to be issued to the beneficiary of subsidiaries, allowing traders and bilateral transaction in REC mechanism. तो ये सारे के सारे अभी बदलाव करे गए हैं, अगर आपको सारे बदलाव याद नहीं रहते हैं तो भी चलेगा। अगला टॉपिक है वो हमारा, एक सेकंड दोस्तों, ग्रीन डे अहेड मार्केट के बारे में, जिसको शॉर्ट में GDAM पोर्टल कहा जाता है। ये एक तरीके का पोर्टल है, याद रखिए फिर से बोल देता हूँ, ग्रीन डे अहेड मार्केट पोर्टल है ये। समझते हैं ये पोर्टल न्यूज में क्यों रहा, मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने लॉन्च कराया हाल ही में ग्रीन डे अहेड मार्केट पोर्टल।
आप इस पोर्टल के बारे में समझते हैं। GDAM जो पोर्टल है ये ऑपरेट करेगा इन इंटीग्रेशन, याद रखिए जोड़ने में के लिए काम करेगा, विद द कन्वेंशनल डे अहेड मार्केट को इन पावर सेक्टर, इनेबलिंग इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज टू बाय और सेल रिन्यूएबल एनर्जी थ्रू द ओपन एक्सेस। ठीक है, DAM एक इलेक्ट्रिसिटी ट्रेडिंग मार्केट है, याद रखिए इलेक्ट्रिसिटी को ट्रेड करने की मार्केट है, फॉर डिलीवरिंग ऑन द फॉलोइंग डे द पावर एक्सचेंज विल अलाउ पार्टिसिपेंट, है ना। अब मैंने बता दिया ये DEM क्या, DAM क्या, इलेक्ट्रिसिटी ट्रेडिंग मार्केट है, तो पावर एक्सचेंज जो है अलाउ करेगा पार्टिसिपेंट को टू सबमिट बिड्स टुगेदर फॉर बोथ कन्वेंशनल एंड रिन्यूएबल एनर्जी। अब जो भी देखिए दोस्तों, जो भी इलेक्ट्रिसिटी खरीदने आएगा वो लोग जो है अपने एक तरीके से डॉक्यूमेंट खरीदे सबमिट करेंगे कि हम लोगों को कन्वेंशनल एनर्जी चाहिए या रिन्यूएबल एनर्जी चाहिए थ्रू सेपरेट बिडिंग विंडोज। ठीक है, अगला देखते हैं इसका सिग्निफिकेंस क्या है। हम लोगों ने इस पोर्टल को बना दिया, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, बहुत फायदे हैं दोस्तों। इट विल लीड टू ग्रेजुअल शिफ्ट फ्रॉम पावर परचेस एग्रीमेंट, पहले अभी आपको पता है ना पावर परचेस एग्रीमेंट बनता है, बेस्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट टू मार्केट बेस्ड मॉडल्स। ठीक है, इट प्रोवाइडिंग कॉम्पिटिटिव प्राइस सिग्नल्स टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ पावर, ये दूसरा फायदा है। प्रमोट करेगा ट्रांसपेरेंसी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड एफिशिएंसी इन ग्रीन एनर्जी ट्रेड को। क्रिएट करेगा पैन इंडिया ग्रीन मार्केट बाय अनलॉकिंग द अनटैप्ड पोटेंशियल ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी एंड इंस्टेंट पेमेंट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी जनरेटर्स। कुछ अदर इनिशिएटिव कौन कौन से लिए गए हैं जिसके जरिए हम रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट कर रहे हैं, पहला लिया गया है पावर एक्सचेंज इंडिया जिसको शॉर्ट में PXIL कहते हैं, और इंडिया एनर्जी एक्सचेंज IEX ने लॉन्च करा है रियल टाइम इलेक्ट्रिसिटी मार्केट प्लेटफॉर्म। रियल टाइम इलेक्ट्रिसिटी मार्केट प्लेटफॉर्म जो है इनेबल करता है बायर्स एंड सेलर्स को पैन इंडिया में टू मीट देयर एनर्जी रिक्वायरमेंट क्लोजर टू रियल टाइम ऑफ ऑपरेशन। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन रेगुलेट करता है बोथ इनको भी और इसको भी रेगुलेट करता है। IEX स्टार्टेड क्रॉस बॉर्डर इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड टू बिल्ड एन इंटीग्रेटेड साउथ एशियन रीजनल पावर मार्केट। अगला टॉपिक समझते हैं, वो है एनर्जी एफिशिएंसी से रिलेटेड। इसमें हमारा पहला टॉपिक आता है, वो है ग्लोबल फ्यूल इकोनॉमी इनिशिएटिव को लेकर। ग्लोबल फ्यूल इकोनॉमी इनिशिएटिव जिसको शॉर्ट में GFEI कहते हैं, समझते हैं ये न्यूज में क्यों रहा। हाल ही में दोस्तों अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ग्लोबल फ्यूल इकोनॉमी इनिशिएटिव अपडेट प्रोग्रेस टुवर्ड्स अचीविंग अ ग्लोबल गोल टू हाफ द फ्यूल कंजम्पशन ऑफ न्यू लाइट ड्यूटी व्हीकल्स बाय 2030 फ्रॉम 2005 लेवल्स हैज बीन लैगिंग। तो इन्होंने बोला कि जो हम लोगों ने टारगेट रख रखा है उसको में हम लैग कर रहे हैं, पीछे हैं, अभी तक अचीव नहीं कर पाएंगे। अब समझ लेते हैं ग्लोबल फ्यूल इकोनॉमी इनिशिएटिव है क्या। दोस्तों ग्लोबल फ्यूल इकोनॉमी इनिशिएटिव जो है लॉन्च करा गया था या फाउंड करा गया था 2009 में। इसका पर्पस सिंपल था, प्रमोट करना और सपोर्ट करना गवर्नमेंट एक्शंस को टू इंप्रूव एनर्जी एफिशिएंसी, एनर्जी की एफिशिएंसी को इंप्रूव करना ऑफ द ग्लोबल लाइट ड्यूटी व्हीकल फ्लीट। ठीक है, ये पार्टनरशिप है बिटवीन इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, द इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम ऑफ OECD, ITF, द इंटरनेशनल काउंसिल ऑन क्लीन ट्रांसपोर्ट, इसका फुल फॉर्म है ITF का, ICCT। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों सॉरी मैंने ITF का फुल फॉर्म बता दिया, ये ICCT का फुल फॉर्म है क्या, इंटरनेशनल क्लीन काउंसिल ऑन क्लीन ट्रांसपोर्टेशन, और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया डेविस एंड FIA फाउंडेशन, ये सारे मिलकर कोलैबोरेट कर रहे हैं इस गोल में। इट हैज टारगेट ऑफ इंप्रूविंग एवरेज फ्यूल इकोनॉमी ऑफ लाइट ड्यूटी व्हीकल्स बाय 2030 फॉर न्यू व्हीकल्स कंपेयर्ड विद द 2005 बेसलाइन एंड इंक्लूड्स इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी। तो दोस्तों जो भी लाइट ड्यूटी व्हीकल है कोशिश करना है उनको हम लोगों को इलेक्ट्रिसिटी में मूव करना या हाइब्रिड टेक्नोलॉजी में मूव करना ना, ताकि वो जो है रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल करें और एक तरीके से जो हमारा एमिशन हो रहे हैं उसके जरिए क्या कहते हैं आपको पता ना पेट्रोल के जरिए डीजल के जरिए जो एमिशन हो रहे हैं उनको रोका जा सके। सिंपल सा एम ये है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑब्जेक्टिव वगैरह लिखा है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के बारे में जान लेते हैं, तो क्योंकि दोस्तों इसी ने ये लॉन्च करा है ना, समझते हैं इसका शुरुआत कब हुई थी। 1973 से लेकर 74 में ऑल क्राइसिस लेड टू द क्रिएशन ऑफ इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी इन नवंबर 1974 विद अ ब्रॉड मैंडेट ऑन एनर्जी सिक्योरिटी एंड एनर्जी पॉलिसी और पॉलिसी कोऑपरेशन। तो ये इसका सिंपल सा काम है, एनर्जी सिक्योरिटी करवाना और एनर्जी पॉलिसी कोऑपरेशन। ऑब्जेक्टिव टेकिंग ऑन ऑल फ्यूल्स ऑल टेक्नोलॉजी अप्रोच, द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी जो है रिकमेंड करती है पॉलिसीज दैट एनहांस करते हैं रिलायबिलिटी अफोर्डेबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ एनर्जी। सिंपल सा काम है, हेडक्वार्टर आपको इसके फ्रांस की राजधानी पेरिस में मिलेंगे। मेंबरशिप देख लेते हैं, 31 मेंबर कंट्रीज, 8 एसोसिएशन कंट्रीज, 4 एक्सेशन कंट्रीज। इन 2017 इंडिया हैड जॉइंड एज एन एसोसिएट मेंबर, तो याद रखिए इंडिया जो है एसोसिएट मेंबर है। ठीक है,
इंडिया हैज बीन रिसेंटली इनवाइटेड टू बिकम फुल इट्स फुल टाइम मेंबर। अदर की इंफॉर्मेशन भी देख लेते हैं। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी एक रिपोर्ट बहुत पब्लिश करती है, इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, जिसका नाम है वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक। इसके अलावा ऑयल मार्केट रिपोर्ट भी ये पब्लिश करती है। आगे बढ़ते हैं, वो है एनर्जी अकाउंटिंग के बारे में। ठीक है, मतलब एनर्जी को अकाउंट करना, यानी उसका डाटा रखना कि कितनी एनर्जी खपत हो रही है, कहाँ खपत हो रही है। बिल्कुल समझते हैं ये न्यूज में क्यों रहा। मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने मैंडेट करा है इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को, जिसको शॉर्ट में डिस्कॉम कहते हैं, इन कंपनीज को बोला है कि आप लोग जो है एनर्जी अकाउंटिंग कीजिए, एनर्जी का देखिए, लेखा जोखा करिए और बताइए कहाँ पे खर्च हो रही है, कहाँ नहीं खर्च हो रही है। मोर ऑन न्यूज समझते हैं। रेगुलेशन वॉज इशूड बाय ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी अंडर द प्रोविजन ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 के तहत। याद रखिए, एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 के तहत ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ने ये रेगुलेशंस को इशू करा है। की रेगुलेशंस क्या क्या है इसके अंतर्गत एनर्जी अकाउंटिंग के तहत। पहला है, इन्हें बोला गया है कि क्वार्टरली एनर्जी अकाउंटिंग कीजिए डिस्कॉम्स के द्वारा। याद रखिए, जो भी डिस्कॉम है वो क्वार्टरली एनर्जी अकाउंटिंग करेंगे थ्रू अ सर्टिफाइड एनर्जी मैनेजर, जो भी सर्टिफाइड एनर्जी मैनेजर होगा विद इन 60 डेज। एनुअल एनर्जी ऑडिट करवाइए बाय इंडिपेंडेंट एक्रेडिटेड एनर्जी ऑडिटर के द्वारा। और क्या बोला इन्होंने, एक सेकंड दोस्तों, बोथ एनुअल एंड क्वार्टरली रिपोर्ट्स विल बी पब्लिश्ड इन द पब्लिक डोमेन। अबाउट एनर्जी अकाउंटिंग के बारे में जानने से पहले हम थोड़ा ऊपर एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, जिसने ये गाइडलाइंस एक तरीके से इशू करी हैं, उसके बारे में समझ लेते हैं, या रेगुलेशंस इशू करे हैं ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के बारे में। दोस्तों, ये एक स्टैचुटरी बॉडी है जो कि एस्टैब्लिश करी गई थी 2002 में अंडर द प्रोविजन ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 के तहत। इसका सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है इंप्लीमेंट करना गवर्नमेंट पॉलिसीज और प्रोग्राम को इन एनर्जी एफिशिएंसी एंड कंजर्वेशन में। हेडक्वार्टर्स आपको ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के नई दिल्ली में मिल जाएंगे, दिल्ली में देखने को मिल जाएंगे। आप समझ लेते हैं एनर्जी अकाउंटिंग क्या है। दोस्तों, एनर्जी अकाउंटिंग, जिसको शॉर्ट में ईए कहते हैं, प्रिस्क्राइब करता है अकाउंटिंग ऑफ ऑल एनर्जी इनफ्लोस एट वेरियस वोल्टेज। हाँ, एनर्जी कहाँ से कहाँ का, एनर्जी का कहाँ से इनफ्लो हो रहा है एट वेरियस वोल्टेज लेवल इन डिस्ट्रीब्यूशन पेरिफेरी ऑफ द नेटवर्क इंक्लूडिंग रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन ओपन एक्सेस कंज्यूमर्स एज वेल एज एनर्जी कंजम्पशन बाय द एंड कंज्यूमर। तो इन सब की अकाउंटिंग करना ही काम है, कहाँ से एनर्जी आ रही है, कहाँ से जा रही है, कितनी रिन्यूएबल एनर्जी है, कितनी नहीं है। तो ये सारा काम होगा एनर्जी अकाउंटिंग में। ठीक है, एनर्जी अकाउंटिंग जो है प्रोवाइड करेगा डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, ठीक है, बाय डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ कंज्यूमर, कौन कौन से कंज्यूमर कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहे हैं, द ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉस कितना हो रहा है हमारा इन वेरियस एरियाज में, इनेबल फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन ऑफिसर फॉर लॉस एंड थेफ्ट। तो दोस्तों, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तय करी जाएगी जो भी जहां पर भी इलेक्ट्रिसिटी का लॉस हो रहा है। ये इनेबल करेगा डिस्कॉम्स टू प्लान फॉर सूटेबल इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन, है ना। ऑब्वियसली हम इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड करेंगे जब हमें दिखेगा कि कहाँ पे हमारी इलेक्ट्रिसिटी या एनर्जी का लॉस हो रहा है, एज वेल एज डिमांड साइड मैनेजमेंट ऑफ एफर्ट्स। अगला देख लेते हैं रिलेटेड न्यूज कुछ। मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने नोटिफाई करा रूल्स फॉर सस्टेनेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर एंड प्रमोशन ऑफ क्लीन एनर्जी को लेकर। न्यू रूल्स जो है नोटिफाइड अंडर द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के तहत नोटिफाई करे गए हैं। टू सस्टेन इकोनॉमिक वायबिलिटी ऑफ द सेक्टर इज फाइनेंशियल स्ट्रेस ऑफ वेरियस स्टेक होल्डर्स एंड एंश्योर टाइमली रिकवरी ऑफ कॉस्ट इन्वॉल्व इन इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। की हाईलाइट्स देख लेते हैं रूल्स के। पहला है, कंपनसेशन शैल बी पेबल बाय द प्रोक्योरर इन द इवेंट ऑफ कटेलमेंट ऑफ सप्लाई फ्रॉम मोस्ट मस्ट रन पावर प्लांट। दूसरा है, मस्ट रन स्टेटस मीन्स दैट द कंसर्न्ड पावर प्लांट हैज टू सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी टू द ग्रिड अंडर ऑल कंडीशंस। ये मतलब है मस्ट रन स्टेट का, ठीक है। अगला है, रिन्यूएबल एनर्जी जनरेटर इज ऑल्सो अलाउड टू सेल पावर इन द पावर एक्सचेंज एंड रिकवर द कॉस्ट सूटेबली। अगला टॉपिक है दोस्तों, ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स और एनर्जी रिसोर्सेज को लेकर। जो भी ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स हैं और एनर्जी रिसोर्सेज, उसमें हमारा आता है पहला टॉपिक मेथनॉल इकोनॉमी। मेथनॉल इकोनॉमी आपको पता है, मेथनॉल एक ऑल्टरनेटिव फ्यूल है। समझते हैं ये न्यूज में क्यों रहा। हाल ही में इंडिया का पहला इंडिजिनियसली डिजाइंड हाई एश कोल गैसिफिकेशन बेस्ड मेथनॉल प्रोडक्शन प्लांट जो है इनोग्रेट करा गया। कहाँ पे, भेल पे, भेल रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर पे, जो कि हैदराबाद में स्थित है, यहाँ पे इनोग्रेट करा गया। याद रखिए, मेथनॉल बेस्ड प्रोडक्शन प्लांट। अब समझ लेते हैं मेथनॉल एनर्जी के बारे में। तो ये आपसे पीसीएस एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मेथनॉल प्रोडक्शन प्लांट जो है कहाँ पे इनोग्रेट करा गया था। तो याद रखिए, हैदराबाद में, लेकिन यूपीएससी में तो मेरे ख्याल से नहीं पूछेंगे।
अब समझ लेते हैं मेथनॉल एनर्जी के बारे में। मेथनॉल जो है बर्न करता है एफिशिएंटली इन ऑल इंटरनल कंबस्टन इंजन, जितने भी हमारे इंटरनल कंबस्टन इंजन है जहां से जलाते हैं चीजों को और उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी या एनर्जी पैदा होती है, याद रखिए ये एफिशिएंटली बर्न होता है और प्रोड्यूस नहीं करता। क्या नहीं प्रोड्यूस करता है? नो पार्टिकुलेट मैटर को कोई प्रोड्यूस नहीं करता ये, ठीक है मेथनॉल एनर्जी। नो सूट, ऑलमोस्ट नील सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोक्स ऑक्साइड एमिशन इनको प्रोड्यूस नहीं करता। ब्लेंडिंग होती है दोस्तों 15% मेथनॉल इन पेट्रोल विल रिड्यूस पोल्यूशन बाय 33%। अगर हम पेट्रोल में 15% मेथनॉल मिला दें तो हमारा जो पोल्यूशन है 33% से कम हो जाएगा। डीजल रिप्लेसमेंट बाय मेथनॉल विल रिड्यूस पोल्यूशन बाय मोर देन 80%। अगर हम डीजल को रिप्लेस कर दें मेथनॉल के जरिए तो हमारा जो पोल्यूशन है 80% कम हो जाएगा। ऑल्दो स्लाइटली लोअर इन एनर्जी कंटेंट देन पेट्रोल एंड डीजल, मेथनॉल कैन रिप्लेस बोथ दीज फ्यूल्स इन ट्रांसपोर्ट सेक्टर, एनर्जी सेक्टर और रिटेल कुकिंग में रिप्लेस करा जा सकता है। मेथनॉल एंड डीएमई, अभी हम जानेंगे डीएमई। देखिए डीएमई क्या है, डी मेथल ईदर, याद रखिए डी मेथल ईदर, अभी इस चार्ट के बारे में समझेंगे तो डीएमई का फुल फॉर्म पता चल गया। मेथनॉल और डीएमई आर सब्सटेंशियली चीपर देन पेट्रोल और डीजल, ये दोनों याद रखिए रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है और ये चीपर है पेट्रोल और डीजल के मुकाबले। मेथनॉल हैज मेनी डिजायरेबल एट्रीब्यूट, कौन कौन से, व्हिच मेक इट The excellent spark ignition engine fuel, including high octane number है इसके अंतर्गत और improved efficiency है। तो ये फायदे हैं इसके, याद रखें मीथेन के। आगे बढ़ने से पहले हम ये चार्ट समझ लेते हैं। मेथनॉल फ्रॉम कोल, याद रखें कोल से मेथनॉल कैसे, अ मेथनॉल फ्रॉम कोल प्रोसेस इन्वॉल्व्स कूल गैसिफिकेशन फॉलोड बाय कैटेलिटिक कन्वर्जन टू द प्रोड्यूस मेथनॉल। कैटेलिटिक कन्वर्जन ऑफ सिंगल्स into methanol is a high temperature, high pressure exothermic reaction. ठीक है, आप पढ़ सकते हैं, ये important नहीं, आपसे नहीं पूछा जाएगा क्योंकि जो important होगा वो मैं आपको बता दूंगा। methanol के बारे में जान लीजिए, it is clear liquid chemical that is water soluble and readily biodegradable. तो ये इसका फायदा है, इसलिए तो methanol का इस्तेमाल कर रहे हैं। methanol has the distinct advantage of poly generation as methanol can be made from any resources. याद रखिए मेथनॉल को किसी भी रिसोर्सेज से बनाया जा सकता है, that can be converted into synthesis gas. मेथनॉल can be processed to make, है ना, मेथनॉल को ही प्रोसेस करा जा सकता है क्या बनाने के लिए, डी मेथिल ईदर, जिसको शॉर्ट में डीएमई कहा जाता है। सॉरी अगर मैं इसको अच्छे से नहीं पढ़ रहा हूँ। ये एक लिक्विड फ्यूल होता है जो कि क्लोजली रिसेम्बल्स करता है डीजल के साथ, ठीक है। अगला है मेथनॉल is used to produce other chemical derivatives which in turn are used to produce thousands of products such as building material, foam, resin, plastic, paints, polyester and variety of health and pharmaceutical products. तो दोस्तों मेथनॉल से इतनी सारी चीजें भी बनाई जाती हैं। मेथनॉल also known as wood alcohol, मेथनॉल को wood alcohol के नाम से जाना जाता है, मेथल अल्कोहल और कार्बिनॉल के नाम से भी जाना जाता है। ये एक लो कार्बन हाइड्रोजन कैरियर फ्यूल प्रोड्यूस फ्रॉम हाई एश कोल एग्रीकल्चर रेसिड्यू CO2 फ्रॉम थर्मल पावर प्लांट्स एंड नेचुरल गैस। तो यहाँ से ये प्रोड्यूस होता है। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ इनिशिएटिव देख लेते हैं जो भारत ने लिए हैं। पहला है नीति आयोग का रोड मैप फॉर मेथनॉल इकोनॉमी, है ना, नीति आयोग ने एक रोड मैप तैयार करा है किसको लेकर, मेथनॉल इकोनॉमी को लेकर। सब्स्टिट्यूट करता है 10% ऑफ क्रूड इम्पोर्ट्स बाय 2030 बाय मेथनॉल अलोन। और इस रोड मैप के अनुसार हम लोग जो है 10% क्रूड ऑयल इम्पोर्ट को एक तरीके से कम कर देंगे 2030 तक अगर हम मेथनॉल का इस्तेमाल करने लगे। 20 MT ऑफ मेथनॉल एनुअली कैन बी प्रोड्यूस एट रुपीज 19 अ लीटर बाय 2025 बाय यूजिंग इंडियन हाई एश कोल। इंडियन हाई एश कोल का इस्तेमाल करके हम लोग इतना प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसके अलावा स्टैंडर्ड गैस एंड बायोमास का ही इस्तेमाल करके हम 20 मेट्रिक टन मेथनॉल जो है एनुअली प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, जो कि मात्र ₹19 पर लीटर 2025 तक हो सकता है इस रोड मैप के अनुसार। ये रोड मैप की बात कर रहे हैं नीति आयोग के। मेथनॉल इकोनॉमी रिसर्च प्रोग्राम बाय डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर प्रोडक्शन ऑफ मेथनॉल फ्रॉम वेरियस सोर्सेज इंक्लूडिंग इंडियन कोल एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम थर्मल प्लांट्स स्टील प्लांट्स एक्सेट्रा। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड हैज नोटिफाइड 20% डीएमई, अभी मैंने डीएमई का फुल फॉर्म बताया था, ब्लेंडिंग विद एलपीजी एंड अ नोटिफिकेशन फॉर M85% ब्लेंड हैज बीन इशूड बाय मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवे। धीरे धीरे इन्होंने बोला कि हम लोग जो है ब्लेंड करेंगे, कोशिश करेंगे कि एलपीजी जो है उसके साथ ब्लेंड करें किसको, डीएमई को, ठीक है।
test standards and plans for the M15 blended are being evolved in consultation with the Indian Oil Corporation Limited, Automotive Research Association of India, Society of Indian Automotive and Manufacturer. Already इनके साथ हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि blend करें इसको, ठीक है, 15% को at least blend करें DMA को, ठीक है. Railway is working towards blending methanol in the range of 15-20%. ये लोग 15-20% blend करने की कोशिश कर रहे हैं through direct fuel injection in locomotives. In 2018, Assam Petrochemicals launched Asia's first consistor based methanol cooking fuel program. Recently, BHEL ने develop करा इंडिया का पहला pilot plant at Hyderabad using indigenous technology to convert high ash coal to methanol. जो भी high ash coal है उसको methanol में convert करने के लिए इन्होंने first pilot plant launch करा है. ये use करता है fluidized bed gasification technology to first produce synthesis single gas from coal and then convert it into methane with 99% purity. तो ठीक है, ये process है. अगला है, as part of the clean energy research initiative from NITI Aayog and funded by Department of Science and Technology, it will help India in adoption of clean energy, optimize utilization of energy reserves and reduce crude oil for self-reliance. तो ये सारे के सारे points जो हैं आप mains में इस्तेमाल कर सकते हैं. मेरे ख्याल से prelims में तो आपसे नहीं पूछा जाने वाला है, बस इतना पूछा जा सकता है कि बताओ कि नीति आयोग का रोड मैप फॉर मेथनॉल इकोनॉमी, ये मेथनॉल इकोनॉमी का रोड मैप किसने तैयार करा है, तो याद रखिए नीति आयोग ने तैयार करा है. अगला टॉपिक है वो है एथनॉल ब्लेंडिंग इन इंडिया. ऑलरेडी हम इतना सब कुछ समझ चुके हैं अभी एथनॉल ब्लेंडिंग को लेकर, कौन सा सेक्टर कितना ब्लेंड कर रहा है, लेकिन समझते हैं इसके बारे में ये न्यूज में क्यों रहा. हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एडवांस करा है द टारगेट ऑफ 20% एथनॉल ब्लेंडिंग इन पेट्रोल, जिसको शॉर्ट में E20 कहा जाता है. E20 मतलब क्या है, 20%, ठीक है, बाय 5 years to 2025 from 2030. पहले का टारगेट रख रखा था हम लोगों ने 2030 का, कि हम लोग जो है 2030 तक एटलीस्ट 20% एथनॉल ब्लेंडिंग करेंगे, ठीक है, किसमें, पेट्रोल में. लेकिन अब इन्होंने ये टारगेट को घटाकर बोल दिया कि हम 2030 तो बहुत लंबा समय हो गया, 2025 तक की कोशिश करेंगे इसको अचीव करने की. पेट्रोल में याद रखिए, पेट्रोल में एथनॉल ब्लेंडिंग करी जाएगी. अब समझते हैं इसके बारे में. गवर्नमेंट हैज ऑल्सो रिलीज एन एक्सपर्ट कमिटी रिपोर्ट ऑन द रोड मैप फॉर एथनॉल ब्लेंडिंग इन इंडिया 2025. तो एक कमेटी बैठा रखी थी, तो कमेटी की रिपोर्ट दिखाई है गवर्नमेंट ने और बताया कि हम लोग जो है 2025 तक इस टारगेट को कैसे अचीव करेंगे. कमेटी ने क्या क्या रिपोर्ट में बताया वो समझ लेते हैं. कमेटी ने बोला, इट प्रपोजेस अ ग्रेजुअल रोल आउट ऑफ एथनॉल ब्लेंडेड फ्यूल टू अचीव E10. पहले बोला हम लोगों को 10% एथनॉल ब्लेंडिंग करनी है फ्यूल सप्लाई बाय 2022 तक हम लोगों को कोशिश करनी है 10% एथनॉल ब्लेंडिंग कर लेनी है एंड फेज्ड रोल आउट ऑफ E20 फ्रॉम अप्रैल 2023 टू अप्रैल 2025. तो हम बाद में 20% का टारगेट अचीव करेंगे अप्रैल 2023 से अप्रैल 2025 तक. इससे पहले नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी 2018 ने एनविसाज करा था एन इंडिकेटिव टारगेट ऑफ 20% ब्लेंडिंग ऑफ एथेनॉल इन पेट्रोल एंड 5% ब्लेंडिंग ऑफ बायोडीजल इन डीजल बाय 2030. तो पहले का ये टारगेट है, ठीक है. In 2020, India had a set target of 10% ethanol blending in petrol by 2022, 20% ethanol blending in petrol by 2030, and 10% ethanol blending in diesel 2030. तो ये नया target है. It also recommends introducing vehicles that are compatible with rolling out E20 material compliant and E10 engine tuned vehicles from April 2023 and production of E20 tuned engine vehicles from April 2025. देखिए, हम लोग जो है एथेनॉल का ब्लेंडिंग तो कर रहे हैं पेट्रोल के साथ, लेकिन जो अभी हमारे एग्जिस्टिंग इंजन है कार में, बसेस में, जो भी ट्रांसपोर्ट या व्हीकल कह लीजिए, उनमें जो भी एग्जिस्टिंग इंजन है, अब भाई वो इंजन तो इन एथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल के साथ शायद मैच ना खाएं, तो इसीलिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि नए नए इंजन को इंट्रोड्यूस करा जाए, नई नई व्हीकल्स को भी इंट्रोड्यूस करा जाए, ताकि जो एथेनॉल ब्लेंडिंग का जो पेट्रोल है या एनर्जी का सोर्स है, ये उस इंजन में कोई प्रॉब्लम ना करे. These efforts will facilitate setting up of additional ethanol distillation capacity and will provide timeline for making blended fuel available across country. आगे समझते हैं एक और लाइन, एक सेकंड दोस्तों. It will also help increase consumption of ethanol in the petrol ethanol producing states and adjoining regions before the year 2025. तो अगर हम already एथेनॉल ब्लेंडिंग को 20% अचीव कर लेते हैं, तो ऑब्वियसली हमारा कंजम्पशन जो इंक्रीज होगा और हम लोगों को इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा क्रूड ऑयल दूसरे देशों से, ये सारा का सारा फायदा है. एथेनॉल ब्लेंडिंग के बारे में समझने से पहले हम ये ऊपर एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी हुई है इसको समझ लेते हैं. बायो एथेनॉल प्रोडक्शन की बात करी जाए पूरी दुनिया में, तो सबसे ज्यादा बायो एथेनॉल यूएसए प्रोड्यूस करता है, ठीक है,
दूसरे नंबर पे आप देख सकते हैं ब्राजील है, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं भारत जो है 2% जो है बायो एथेनॉल प्रोडक्शन का करता है। इंडिया का बायोफ्यूल टाइमलाइन देख लीजिए दोस्तों, एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम जो है इंट्रोड्यूस करे गए थे 2003 में मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस द्वारा, और 2014 में गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करा था द एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस मैकेनिज्म को। उसके बाद नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी जो है इंट्रोड्यूस करी गई थी 2018 में इन लाइन विद EBP एंड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम इंट्रोड्यूस फॉर एनवायरमेंट एंड एथेनॉल प्रोडक्शन कैपेसिटी। उसके बाद 2020 आया और नेशनल बायोफ्यूल कोऑर्डिनेशन कमिटी टू यूटिलाइज सरप्लस राइस लाइंग विद द FCI टू बी रिलीज टू द डिस्टिलर्स फॉर एथेनॉल प्रोडक्शन, है ना, जो भी राइस बेकार का पड़ा है उसके बोला इसने नेशनल बायोफ्यूल कोऑर्डिनेशन कमिटी ने कि आप जो राइस है उसको भेजिए इसके पास और एथेनॉल का प्रोडक्शन करवाइए, क्योंकि मैंने बता दिया ना बायोफिल जो भी मतलब बायो है ना चीजें उन्हीं के जरिए एथेनॉल प्रोडक्शन होता है। 2021 में इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम इंट्रोड्यूस करी गई थी फॉर एनहेंसमेंट एंड ऑगमेंटेशन ऑफ एथेनॉल प्रोडक्शन कैपेसिटी वॉज एक्सटेंडेड टू ग्रेन बेस्ड डिस्टिलरीज एंड डिस्टिलरीज प्रोड्यूसिंग फ्रॉम द फीडस्टॉक लाइक शुगर सोरगम। एक सेकंड दोस्तों, ये मेरे को नजर नहीं आ रहा क्या लिखा है, एक सेकंड, हाँ शुगर बीट, इनसे बोला कि आप लोग जो है प्रोड्यूस कीजिए क्या एथेनॉल को। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं, अब समझ लेते हैं एथेनॉल ब्लेंडिंग होता क्या है। दोस्तों एथेनॉल ब्लेंड इज डिफाइंड एज ब्लेंडर मोटर फ्यूल कंटेनिंग एथिल एल्कोहल दैट इज एटलीस्ट 99% प्योर डिराइव्ड फ्रॉम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स एंड ब्लेंडेड एक्सक्लूसिवली विद गैसोलीन। Since it is plant-based, it is considered to be the renewable source, renewable fuel. तो क्योंकि आपको पता है ये plant-based fuel है, तो इसीलिए इसको renewable source भी कहा जाता है, क्योंकि जो भी agriculture के product है, उन्हीं से ethanol बनाया जाता है। Government ने allow करा है ethanol production procurement from sugarcane-based raw material, जो भी sugarcane-based raw material है, उससे आप जो है ethanol बना सकते हो। With C&B heavy molasses, sugarcane juice, sugar syrup, सरप्लस राइस, ये सारे के सारे तरीके हैं जिनके जरिए एथेनॉल बनाया जा सकता है। याद रखिए सरप्लस राइस के जरिए, विद फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एंड मेज, इन सब के जरिए बनाया जा सकता है। इसके अलावा द ऑयल मार्केटिंग कंपनीज आर टू प्रोक्योर एथेनॉल, इनको काम दिया गया कि आप लोग जो है एथेनॉल को प्रोक्योर कीजिए फ्रॉम डोमेस्टिक सोर्सेज एंड ब्लेंड्स एथेनॉल एट इट्स टर्मिनल्स। गवर्नमेंट हैज बीन नोटिफाइंग एडमिनिस्टर्ड प्राइस फॉर एथेनॉल सिंस 2014। डिपार्टमेंट ऑफ फूड और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन जो है नोडल डिपार्टमेंट है फॉर प्रमोशन ऑफ फ्यूल ग्रेड एथेनॉल प्रोडक्शन प्रोड्यूसिंग डिस्टिलरीज इन द कंट्री। तो ये काम है याद रखिए डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन का। यहाँ पे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है, इसको भी समझ लेते हैं। हाल ही में इनिशिएटिव कौन कौन से लिए गए हैं बायो एथेनॉल को प्रमोट करने के लिए। पहला है PM जीवन, और ये इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जा सकता है PM जीवन का फुल फॉर्म। जीवन का फुल फॉर्म है जैव ईंधन वातावरण अनुकूल फसल अवशेष निर्माण, याद रखिए अवशेष निर्माण योजना। 12 कमर्शियल प्लांट्स एंड 10 डेमोन्स्ट्रेशन प्लांट्स ऑफ सेकेंड जनरेशन बायो रिफाइनरीज आर एनविसाज टू बी सेटअप इन एरियाज हैविंग सफिशिएंट अवेलेबिलिटी ऑफ बायोमास। तो याद रखिए उन एरियाज में सेटअप करे जाएंगे जहां पर बायोमास की जो है अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा है, ताकि इन बायोमास का इस्तेमाल करके एथेनॉल को जो है एक तरीके से प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया जा सके। 2G plant utilize surplus biomass and agriculture waste and procure bioethanol। आपको पता है ना भाई एग्रीकल्चर का जो वेस्ट होगा या एग्रीकल्चर में जब भी सरप्लस हुआ है तो उसी का इस्तेमाल करके तो बायोमास प्रोड्यूस होगा। अगर एग्रीकल्चर में राइस जो है बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा मात्रा में हुआ है या सरप्लस में हुआ तो उसका इस्तेमाल करेंगे, है ना। गन्ना अगर जो है सरप्लस मात्रा में हुआ तो उसका इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा बहुत सारा जो एग्रीकल्चर वेस्ट है उसका भी इस्तेमाल करा जाता है बायोएथेनॉल को या एथेनॉल को प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने के लिए। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने अप्रूव करा 8460 करोड़ मॉडिफाइड स्कीम फॉर एक्सटेंडिंग इंटरेस्ट सबवेंशन फॉर दोस सेटिंग अप स्टैंड अलोन एथेनॉल डिस्टिलरीज यूजिंग ग्रेन मोलासेस ड्यूअल फ्यूल शुगर फीड स्वीट सोरगम एंड सीरियल्स एज फीड स्टॉक। तो गवर्नमेंट जो है काफी प्रोवाइड भी करवा रही है मतलब पैसा वगैरह ताकि एथेनॉल ब्लेंडिंग या एथेनॉल का प्रोडक्शन हो सके। द फोकस इज ऑन इंक्रीजिंग इंडियाज एथेनॉल प्रोडक्शन कैपेसिटी, सिंपल सा बात है, इसलिए तो गवर्नमेंट पैसा प्रोवाइड कर रही है। प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च कराया पायलट प्रोजेक्ट ऑफ E100 मतलब समझते हो ना एथेनॉल 100% डिस्पेंसिंग स्टेशंस एट 3 लोकेशन इन पुणे। कुछ रिलेटेड न्यूज देख लेते हैं। नोटिफिकेशन ऑफ मास एमिशन स्टैंडर्ड फॉर
E12 मतलब एथेनॉल 12 एंड एथेनॉल 15 फ्यूल्स बाय मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवेज, इसके बारे में समझ लेते हैं। ये नोटिफिकेशन जारी करा गया है। पहला है मास एमिशन स्टैंडर्ड फॉर E12 यानी 12% एथेनॉल विद गैसोलीन, वही मैं बता रहा था। एंड E15 का मतलब क्या है, 15% एथेनॉल विद गैसोलीन फ्यूल्स आर नोटिफाइड अंडर सेंट्रल मोनिटर मोटर व्हीकल्स 25th अमेंडमेंट टू 2021 के तहत। ये इनेबल करेगा ऑटोमोटिव इंडस्ट्री को ताकि मैन्युफैक्चर करो आप E12 और E15 कंप्लायंट मोटर व्हीकल्स को। इसके अलावा कंपैटिबिलिटी ऑफ व्हीकल टू लेवल द एथेनॉल ब्रांडेड शैल बी डिस्प्लेड ऑन व्हीकल्स बाय पुटिंग अ क्लियरली विजिबल स्टिकर। तो विजिबल स्टिकर लगाना जरूरी है कि ये लोग जो है E12 या E15 के साथ मैच खाते हैं ये व्हीकल्स, ठीक है। This is in line with India's ethanol blending program, which sets the target of 20% ethanol blending with the gasoline by 2023-24. So, ये already मैं बता चुका हूँ target है। Government issues advisory to car makers to introduce fuel flex fuel engines in vehicles. Flex fuel समझते हो ना कि भाई ऐसे engine बनाओ जो अभी हमारे conventional fuel इस्तेमाल करते हैं, इसके अलावा और भी जो हम फ्यूल फ्यूचर में ब्लेंड करके बनाए, जो भी फ्यूल जो है ब्लेंड करके बनाए उसका भी इस्तेमाल कर सकें, वो इंजन खराब ना हो वो इंजन, उन्हीं को कहते हैं फ्लेक्स फ्यूल। ऑलरेडी मैं फ्लेक्स फ्यूल का मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट ऊपर बता चुका हूँ, मतलब पिछले लेक्चर्स में। कार मेकर्स हैव बीन गिवन 6 months टू इंट्रोड्यूस फ्लेक्स फ्यूल्स सो दैट कार्स कैन ऑल्सो रन ऑन एथेनॉल इन फ्यूचर, है ना, क्योंकि अभी मैंने बताया ना जो इंजन लगे हुए कार में वो एथेनॉल पे चल नहीं पाएंगे क्योंकि एथेनॉल जो है उनका घर्षण कर देगा, उन्हें खराब कर देगा। लेकिन फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल जो है ये मॉडिफाइड वर्जन है ऑफ व्हीकल्स दैट कुड रन ऑन बोथ ऑन गैसोलीन एंड ब्लेंडेड पेट्रोल विद डिफरेंट लेवल्स ऑफ एथेनॉल ब्लेंड्स, तो उन पे चल सकती है। दीज आर करंटली बीइंग यूज्ड सक्सेसफुली इन ब्राजील, ब्राजील में ऑलरेडी फ्लेक्स फ्यूल इंजन का इस्तेमाल किया जा रहा है, गिविंग पीपल द ऑप्शन टू स्विच फ्यूल गैसोलीन एंड एथेनॉल। आप देख सकते हैं टाइप ऑफ व्हीकल्स एज पर फ्यूल, पहला है मोनोफ्यूल व्हीकल, मोनोफ्यूल व्हीकल नाम ही से पता चल रहा है कि आप इस व्हीकल में एक ही फ्यूल इस्तेमाल कर सकते हैं। देख सकते हैं व्हीकल विच ऑपरेट्स ऑन नेचुरल गैस ओनली ऑल्सो नोन एज डेडिकेटेड नेचुरल व्हीकल, नाम से पता चल रहा है मोनो। दूसरा है बायोफ्यूल व्हीकल, व्हीकल दैट हैज टू इंडिपेंडेंट फ्यूल सिस्टम, वन ऑफ देम फॉर नेचुरल गैस एंड कैन रन ऑन बोथ फ्यूल्स एंड साइमल्टेनियसली। तो याद रखिए जो गैस पे भी चल सकता है और फ्यूल्स पे भी, उसको कहते हैं बायोफ्यूल व्हीकल्स। और फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल सिंपल सा मतलब है कोई भी डाल दो। फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स इज एनी मोटर व्हीकल, ठीक है, जो कि इंजीनियर और डिजाइन करी गई है टू बी ऑपरेटेड ऑन एनी मिक्सचर ऑफ टू और मोर डिफरेंट फ्यूल्स। FFVs आर कैपेबल ऑफ रनिंग ऑन एनी ब्लेंड ऑफ गैसोलीन एंड एथेनॉल अप टू 83%। अब समझ लेते हैं कसावा, जिसको टोपियोका नाम से भी बुलाया जाता है। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर सेंटर ट्यूबर क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट ने हाल ही में आइडेंटिफाई करा है कसावा एज प्रोमिसिंग रॉ मटेरियल फॉर बायोएथेनॉल प्रोडक्शन। तो इन्होंने बोला कि अब आप लोग जो है कसावा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर सॉरी मैं अच्छे से नहीं बोल पा रहा हूँ, तो बोला आप लोग इसका भी इस्तेमाल कीजिए कि बायोएथेनॉल प्रोडक्शन के लिए, ठीक है, ताकि हम लोग जो है मीट कर सके एथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल को प्रोग्राम को बाय 2025 टारगेट। तो ये याद है रखिए 2025 का टारगेट। अब समझ लेते हैं कसावा, इट्स स्टार्च विद इट्स यूनिक फिजिको केमिकल एंड फंक्शनल प्रॉपर्टीज फाइंड्स एक्सटेंसिव एप्लीकेशन इन फूड एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर। The agriculture residue of cassava such as peels, stems, leaves are potential feedstock for 2G bioethanol production. Major production is from Tamil Nadu followed by Kerala. याद रखिए जो cassava है इसका सबसे ज्यादा production तमिलनाडु में होता है, उसके बाद केरला में होता है। अगला topic समझते हैं, used cooking oil based biodiesel. तो जो भी हम लोग cooking oil इस्तेमाल करते हैं, आपने restaurants वगैरह में देखा होगा कि एक ही कुकिंग ऑयल को बार बार इस्तेमाल करते हैं, तो उसी कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करना है हम लोगों को बायोडीजल के लिए। किसके लिए, बायोडीजल के लिए। समझते हैं न्यूज में क्यों रहा है। हाल ही में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने किक ऑफ करा है सप्लाई ऑफ डीजल दैट इज ब्लेंडेड विद बायोडीजल मेड फ्रॉम द यूज्ड कुकिंग ऑयल। तो याद रखिए ये डीजल जो है किससे बना है, यूज्ड कुकिंग ऑयल से। अब समझ लेते हैं यूज्ड कुकिंग ऑयल के बारे में, जिसको शॉर्ट में यूको भी कहा जाता है। यूकोस are oils and fats that have been used for cooking or frying in food processing industries, जैसे कि restaurant हो गया, fast foods हो गया, and at consumer level in thousands, आपको पता है households, इसके अलावा households में भी इस्तेमाल किया जाता है used cooking oil. Yuko must contain only fats, याद रखिए used cooking oil में सिर्फ और सिर्फ fat होना चाहिए, oils or greases that were previously used for cooking or frying operations.
यूको इज एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल टू प्रोड्यूस बायोडीजल। तो याद रखिए, बायोडीजल हम कैसे बनाते हैं, इस यूको से बनाते हैं, यूज कुकिंग ऑयल से। तो ये यूको जो है, यानी यूज कुकिंग ऑयल जो है, एक इम्पोर्टेंट रॉ मटेरियल है बायोडीजल को प्रोड्यूस करने के लिए। इट ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग सोप। याद रखिए, इसी यूको का इस्तेमाल किसके लिए होता है, सोप बनाने के लिए भी किया जाता है, कॉस्मेटिक्स, बहुत सारी कॉस्मेटिक चीज बनती है, याद रखिए, यूज कुकिंग ऑयल से, कुकिंग ऑयल एंड एनिमल फीड एक्सेट्रा। बेनिफिट क्या है बायोडीजल मेड फ्रॉम यूको, क्या फायदा अगर हम यूज कुकिंग ऑयल से बायोडीजल बनाते हैं। पहला है, प्रिवेंट करता है पीपल फ्रॉम सीरियस एलिमेंट्स सच एज हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, एथेरोस्क्लेरोसिस, कैंसर, अल्जाइमर्स डिजीज, लिवर डिजीज एक्सेट्रा। अब देखिए ना, अगर हम रेस्टोरेंट वगैरह से ऑलरेडी बोल दें रेस्टोरेंट वगैरह को कि भाई आप लोग जितना भी यूज्ड कुकिंग ऑयल है इस्तेमाल कर रहे हैं वो हमें दीजिए, एक बार इस्तेमाल कर लिया, एक दो बार इस्तेमाल कर लिया, उसके बाद जो यूज्ड कुकिंग ऑयल है हमें प्रोवाइड कीजिए, ताकि भाई देखिए ना, अगर हम उनसे पहले वसूल लेंगे तो बेकार की जो यूज जो ऑयल इस्तेमाल करते रहते हैं रेस्टोरेंट वाले, तो अब वो उस ऑयल का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे और जो भी उनके कंज्यूमर या कस्टमर्स होते हैं उनको बीमारियां भी नहीं होंगे, क्योंकि आप बार बार एक ऑयल को इस्तेमाल करते रहते हैं तो उसमें जो भी आप खाना बनाते हैं तो उसके बहुत बुरे प्रभाव पड़ते हैं, आप देख सकते हैं, ओबेसिटी हो जाती है, हाइपरटेंशन वगैरह हो जाती है। बाय रिमूविंग रीयूज्ड और बर्नट कुकिंग मीडियम फ्रॉम द फूड चेन, तो अगर हम वहां से रिमूव कर देंगे तो ये बीमारियां नहीं होंगी। यूको व्हेन डिस्कार्डेड विदाउट एनी ट्रीटमेंट क्लॉग्स ड्रेनेज सिस्टम्स कंट्रोलिंग टू द नीड्स ऑफ सर्कुलर इकोनॉमी। दूसरा फायदा क्या है कि कई बार क्या होता है, यूज्ड कुकिंग ऑयल को जो है ऐसे ही बहा देते हैं नाले वाले में, तो होता क्या दोस्तों, जब डिस्कार्ड करा जाता है विदाउट एनी ट्रीटमेंट क्लॉग्स ड्रेनेज सिस्टम, तो ड्रेनेज सिस्टम को क्या कर देता है, क्लॉग यानी बंद कर देता है। तो ये दूसरा फायदा होगा अगर हम ऑलरेडी इनसे कलेक्ट कर लेंगे। कंट्रीब्यूटिंग टू द नीड्स ऑफ सर्कुलर इकोनॉमी, सर्कुलर इकोनॉमी में इस्तेमाल होगा अगर हम यूको का जो है यूको का इस्तेमाल करते हैं। अगला देख लेते हैं, इनिशिएटिव क्या क्या लिए गए हैं टू मेक बायोडीजल फ्रॉम यूको को लेकर, ठीक है, यूको के हम यूको से हम बायोडीजल बनाएं इसको लेकर क्या क्या इनिशिएटिव लिए गए हैं। 2019 में मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस एंड स्टील ने अलॉन्ग विद हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड अर्थ साइंस हैड इनिशिएटेड एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ बायोडीजल प्रोड्यूस फ्रॉम यूको। तो इन सब लोगों ने मिलकर इनिशिएटिव लिया था। इसका एम सिंपल था, क्रिएट करना एन इकोसिस्टम फॉर कलेक्शन एंड कन्वर्जन ऑफ यूको इनटू बायोडीजल एंड डेवलपिंग एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटीज। ये सिंपल सा एम है। अंडर द इनिशिएटिव ओएमसीज ऑफर पीरियोडिकली इंक्रीमेंटल प्राइस गारंटीज फॉर 5 years एंड एक्सटेंड ऑफ टेक गारंटीज फॉर 10 years टू प्रोस्पेक्टिव एंटरप्रेन्योरशिप। नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स लाई गई थी 2018 में, जो कि एनकरेज करती है सेटिंग अप ऑफ सप्लाई चेन मैकेनिज्म फॉर बायोडीजल प्रोडक्शन फ्रॉम नॉन एडिबल ऑयल सीड यूज्ड कुकिंग ऑयल्स शॉर्ट गेस्टेशन क्रॉप के जरिए। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया इन एसोसिएशन विद बायोडीजल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने लॉन्च करा है रीपर्पस यूज्ड कुकिंग ऑयल, जिसको शॉर्ट में रुको कहते हैं। याद देखिए, रुको किसने लॉन्च करा है, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड ऑफ अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने लॉन्च करा है, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ये प्रोजेक्ट लॉन्च करा गया था 2019 में। प्रोजेक्ट का एम सिंपल सा है, परचेज करना यूज्ड कुकिंग ऑयल फ्रॉम होटलर्स, होटल से परचेज करना, केटरर से, स्नैक मेकर से, ट्रेडर से एट रीजनेबल प्राइस, और उसको कन्वर्ट करना इनटू बायोडीजल एट प्लांट। रुको स्टिकर एंड मोबाइल फोन एप्लीकेशन वाज लॉन्च फॉर कलेक्शन ऑफ यूज्ड कुकिंग ऑयल। तो इसके लिए दोस्तों, यूज्ड कुकिंग ऑयल को कलेक्ट करने के लिए रुको स्टिकर और मोबाइल फोन एप्लीकेशन भी लॉन्च करे गए थे टू एंश्योर दैट इट डज नॉट कम बैक टू इको सिस्टम। यहाँ पे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी हुई है, आप देख सकते हैं, एक सेकंड दोस्तों, बायोडीजल के बारे में देख लेते हैं। ये एक ऑल्टरनेटिव फ्यूल है सिमिलर टू कन्वेंशनल और फॉसिल डीजल्स। इट कैन बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल, मैं बता चुका हूँ बायोडीजल को किसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, वेजिटेबल ऑयल, एनिमल ऑयल, फैट, टैलो, वेस्ट कुकिंग ऑयल, इन सबसे प्रोड्यूस कर सकते हो। प्रोसेस यूज टू कन्वर्ट दीज ऑयल्स टू बायोडीजल इज कॉल्ड ट्रांस एस्टरीफिकेशन। तो ये इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जा सकता है कि बताओ ट्रांस एस्टरीफिकेशन क्या है। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके जरिए हम कन्वर्ट करते हैं इन सारे ऑयल्स को बायो डीजल में। इट इज कार्बन न्यूट्रल होता है, ये प्रोसेस कार्बन न्यूट्रल होता है। द ऑयल सीड अब्सॉर्ब्स द सेम अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एज द रिलीज्ड व्हेन द फ्यूल इज कंबस्टेड इन व्हीकल। इट इज रैपिडली बायोडिग्रेडेबल है एंड कंप्लीटली नॉन टॉक्सिक है। द बायोडीजल साइकिल आप देख सकते हैं, सीड से एक्सट्रैक्शन होता है, ये आप पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है, क्या साइकिल है। अगला समझ लेते हैं इशू विद रुको, रुको के साथ कुछ इशू भी हैं। रुको क्या, अभी मैंने बताया था ना, रीयूज्ड कुकिंग ऑयल। एट प्रेजेंट देयर इज नो एस्टैब्लिश्ड चेन ऑफ कलेक्शन ऑफ यूको, तो अभी कोई भी एस्टैब्लिश्ड चेन नहीं है, तो ये पहला इशू है।
प्रेजेंट ऑफ इम्प्योरिटीज लाइक फ्री फैटी एसिड एंड वाटर इन यूको, ये दूसरा है। रूको रिक्वायर लार्ज फूड बिजनेस ऑपरेटर्स टू स्टोर यूको सेपरेटली विच दे कैन देन सेल टू ऑथराइज्ड यूको एग्रीगेटर्स और कलेक्शन एजेंसी। तो ये दूसरा इशू लगा हुआ है रूको से लेकर। एक सेकंड दोस्तों, नेशनल गोल गैसिफिकेशन मिशन, चलिए दोस्तों यहीं तक रुकते हैं। ये टॉपिक को हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे, नेशनल कोल गैसिफिकेशन टॉपिक को। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।